नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 15 नवंबर। सबसे पहले पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो M6 बुलडेक्स के अंदर हमने पिछले हफ्ते में 3% की तेजी बनती हुई देखी। वहीं M6 मेटल इंडेक्स की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने 2.5% की तेजी देखी। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में भी हमने देखा कि हायर लेवल पे बिकवाली बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते M6 मेटल इंडेक्स के साथ साथ M6 एनर्जी इंडेक्स में भी गिरावट बढ़ी थी। पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था, जबकि सोने और चांदी में हमने शॉर्ट कवरिंग बनती हुई देखी। हमने सोने में देखा कि प्राइजेस 48,000 पे ओपन हुआ, थोड़ा पुलबैक जरूर दिखाया था, बट कहीं ना कहीं बड़ी तेजी छुपी हुई थी और फेड के अपडेट के बाद हमने प्राइजेस में एक बड़ा जंप आते हुए देखा, जो कहीं ना कहीं 49,380 तक का भी लेवल दिखा दिया। वहीं चांदी की भी बात करें तो चांदी भी 64,600 का लेवल ओपन होने के बाद 67,400 तक का लेवल दिखा दिया। पूरे हफ्ते में हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है और अच्छी बिल्टअप देखी है। कहीं ना कहीं ये हफ्ता काफ़ी क्रुशियल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा करके हम देखते हैं कि बड़ी तेजी के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी रहता है और साथ में 3 दिसंबर के वायदे एक्सपायरी के चलते भी एक प्रॉफिट बुकिंग हिट कर सकता है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है सोने चांदी पे। वहीं अगर एनर्जी पैक की बात करें तो क्रूड तो फ्लैटी स्टोन के साथ नेगेटिव बंद हुआ, जबकि नेचुरल गैस में हमने 13% की भारी गिरावट आती हुई देखी। एज ऑफ नाउ नेचुरल गैस टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। फ्रेश सेलिंग बनी हुई थी, RSI 56 पे है अभी भी, थोड़ा भी पुलबैक मिले उस पर बिकवाली करके ही चलना है। वहीं क्रूड के लिए भी अगर हम बात करें तो लॉन्ग लिक्विडेशन बन रहा है और कहीं ना कहीं RSI भी दिखा रही है कि अभी भी प्रेशर बना हुआ है। तो 5,950 के नीचे अगर प्राइजेस होल्ड कर जाता है ये हफ्ता, तो कहीं ना कहीं 5,740 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल में हमने देखा कि प्रोडक्शन कर्टलमेंट के चलते प्राइजेस का कंटिन्यू सपोर्ट मिला है। पूरे हफ्ते भर में एल्यूमिनियम, निकल, ये 2 कमोडिटी में सबसे ज़्यादा तेजी बनते हुए दिखी। बाकी कमोडिटी में भी हमने 1.5 से 2% की तेजी बनते हुए देखी, जो ये हफ्ते में भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। आज के लिए M6 बुलडेक्स की अगर बात करें तो प्राइजेस 15,000 का लेवल ब्रिज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बिकवाली की जा सकती है, जो 14,720 से 14,640 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल आज M6 बुलडेक्स 15,000 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलिए। वहीं गोल्ड और सिल्वर में शॉर्ट कवरिंग के चलते अच्छी तेजी जरूर बनी है, पर ध्यान रखिए 49,500 के ऊपर ही नई तेजी बनेगी, अदरवाइज प्राइजेस 48,800 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। चांदी में भी 67,600 का लेवल जब तक ब्रिज करके होल्ड नहीं करता है, पुलबैक आ सकता है, जो 66,200 तक का लेवल दिखा दे। क्रूड में 59,50 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिए, 59,50 के नीचे फ्री फॉल है, अदरवाइज 6100 से लेकर 5,950 की रेंज में ही मार्केट ट्रेड करेगा। नेचुरल गैस की बात की जाए तो पिछले हफ्ते काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। शुक्रवार में भी हमने 5% की गिरावट देखी। टेक्निकली 350 से 354 का ही सपोर्ट बनता है, पुलबैक जरूर आ सकता है, बट जब तक प्राइस 372 के ऊपर होल्ड नहीं करता है ट्रेंड वीक रहेगा। बेस मेटल में कल शुक्रवार की तेजी के बाद आज थोड़ा बहुत भी पुलबैक मिले तो लेके चलिए। चाइना से डेटा काफ़ी अच्छा आया है, जिसकी वजह से बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए। LME पे आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, जिसके चलते दिन के सेशन में मेटल के अंदर हम एक गिरावट देख सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो जब तक 1870 की और 72 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, प्राइजेस में 1836-1840 तक का एक पुलबैक देखने मिल सकता है। चांदी के अंदर भी 2540 के ऊपर ही नई तेजी बनेगी, अदरवाइज प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक पुलबैक रह सकता है, जो 2460 तक का पुलबैक दिखा दे। क्रूड ब्रेंट क्रूड में कहीं ना कहीं आज गिरावट रहेगी, नेचुरल गैस में पुलबैक रह सकता है, डॉलर इंडेक्स 95 के करीब ट्रेड है। इंपॉर्टेंट डेटा की अगर हम बात करें तो आज EU से ट्रेड बैलेंस का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा काफ़ी अच्छा है, जो डॉलर को सपोर्ट कर सकता है। वहीं M6 बुलडेक्स में आज पुलबैक रहेगा, 14,600 के लिए बेच के चलिए। गोल्ड में बिकवाली रहेगी, जो 48,800 तक का बेच के चलिए। क्रूड में बिकवाली रहेगी, क्योंकि 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, जो 5820 तक का लेवल दिखा देगा। क्रूड में कॉपर में थोड़ा भी पुलबैक आए लेके चलिए, 747 से 756 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।